नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा, उपचुनाव हुआ तो बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में और अदर स्टेट्स में। तो इस हार के बाद आपने देखा होगा कि एकदम डीजल और पेट्रोल के जो दाम थे, जितने करने थे कम उतने हुए नहीं, लेकिन फिर भी कम किए हैं। अभी भी अगर कम करना चाहें तो इनके पास काफ़ी गुंजाइश है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कम किए हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को याद रखना होगा, मद्देनज़र रखना होगा कि जैसे अभी आने वाले टाइम में 4-5 स्टेटों में असेंबली चुनाव है, तो हमें बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना होगा। तब ही ये लोग गफलत की नींद से जागेंगे और जो इनको पावर का नशा चढ़ चुका है वो इनको उतरेगा। आपने देखा होगा जब यूपीए की गवर्नमेंट होती थी सेंटर में, तो 350-400 रुपये का सिलेंडर होता था, तो स्मृति ईरानी जी सिर पे उठा के रोनों को बुला कर देती थी। आज तो वो कहीं, आप देख रहे हैं कहाँ सिलेंडर के दाम पहुँच गए, नज़र तक नहीं आती है, या पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। तो मतलब मुँह खोल के राजी नहीं है इन चीज़ों पर। और अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुँच गई है, तो आज महंगाई अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें आसमान छू रही हैं। लेकिन एक चीज़ हमें साफ इस चुनाव से जाहिर हुआ है कि हमें बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना होगा। अगर महंगाई अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना होगा, या जो हमारे अदर जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, या जैसे हमारे बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, डेली वेजर को ले लो, वो बेचारे अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन पर कोई बात नहीं करके राजी है। तो सिर्फ व सिर्फ बीजेपी जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इनके पास एक ही मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है चुनाव में। तो इसलिए हमें जो धर्म की राजनीति को रिजेक्ट करना होगा। आने वाले टाइम में हमें जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले हम लोगों को, जो और जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं जिनको जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, इन चीज़ों को अगर हमें कामयाब करना है, इनके खिलाफ